सब सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का पेपर। जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का एंड हो चुका है। जी फ्रेंड, बात करें 2023 का, आज सभी का पेपर था कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का, बीएसटी का, सीबीएसई क्लास 12th का। आज का पेपर आपका जस्ट कुछ देर पहले अभी एंड हो चुका है हमारे फ्रेंड, और आज के पेपर बीएसटी के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर हम आ चुके हैं हमारे फ्रेंड। जी एफ एंड बी एस टी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड। आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड। जस्ट अभी कुछ देर पहले मेरे पास बी एस टी का पेपर आ चुका है हमारे फ्रेंड, देख सकते हैं मेरे पास सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 मेरे पास आ चुका है माय डियर फ्रेंड, जिनका अभी सेट नंबर 1 होगा और सेट नंबर 3 है। जल्दी से माय डियर फ्रेंड इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन सेंड कर दिए माय डियर फ्रेंड, जैसे हम आपके भी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर सके माय डियर फ्रेंड। देख सकते हैं कोड मेरे पास ये अवेलेबल है जो मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। जैसे मेरे पास पेपर आया मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही जल्द। जो क्वेश्चन बच गए हैं माय डियर फ्रेंड आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे फ्रेंड अगर इस सेट में, तो आपका जो भी सेट्स होगा फ्रेंड अपने इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे हम उसके भी सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर सकें। और एक बार और माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो बीएससी के पेपर का माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट पेपर आप सभी का अकाउंटेंसी का होने जा रहा है। अकाउंटेंसी में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमारी टीम ने वीडियो बुला दिया है माय डियर फ्रेंड। आई होप तो सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और साथ साथ जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के बाद। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है बीएसटी का मैं आपके साथ लेकर आ चुका हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया था प्रॉपर फॉर्मेट उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, 34 क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन थे आप सभी को ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन आप सभी का ये है, आपको बताना था यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेपिकेटेड इन द अबव डायग्राम। इसमें कौन सा डायग्राम के थ्रू कौन सा यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम बात करें तो ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेकंड आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ मैनेजमेंट एज एन आर्ट हाईलाइट दैट एवरी मैनेजर अप्लाई हिज नॉलेज ऑफ अ प्रिंसिपल इन हिज ओन वे टू डील विद अ गिवन सिचुएशन। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, विच ऑफ द विच विथ अ रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मोबाइल फोन विथ अ सुपर क्लास कैमरा द बिजनेस ऑफ कैमरा इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। स्टडीज शो दैट अ मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेड द कैमरा इंडस्ट्री, द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइट इन द अबव केस। अबव ये जो केस आपको दिया कि उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना था बताना था आपको फ्रेंड, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है यहाँ पे, आकाश वर्क एज एन अ प्रोडक्शन मैनेजर इन द एलाइट इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट ड्यू टू द फेस्टिव सीजन देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट। आकाश वॉज गिवन अ टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट एट्स ₹200 पर यूनिट विथ अ 5 डे फॉर अ अर्जेंट ऑर्डर। आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लाइट विथ अ 5 डेज एट द रेट ₹220 पर यूनिट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेदर आकाश इज, तो फ्रेंड इसमें क्या होगा फ्रेंड आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट मीन्स इफेक्टिव ओनली। किस तरीके से करेगा वो, इफेक्टिव ओनली, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एन अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है फिर बात की इकोनॉमिक एनवायरमेंट का अगर बात किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल प्लेइंग ऑन अ रोड
इन अ दिल्ली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने देख सकते हो हमारे फ्रेंड, आपका यहाँ पे ये भी केस देखा था। अगर बात करें फ्रेंड प्रॉपर अगर देखें क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो आप पूछे गए, पेपर बहुत ही सिंपल आया बीएसटी का, बट केस स्टडी से भरा हुआ है। तो केस स्टडी काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो मूड जो वेटेज होगा केस स्टडी का एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बीएसटी के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वन मार्क्स वाले हों या फिर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हों, वो मेनली फोकस किए गए हैं केस स्टडी पे। ओके हमारे फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने बताई थी वीडियो। फिर आप देख सकते हो हमारी टीम बीएसटी के रिगार्डिंग जो भी कुछ बताई उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। सेम इसी तरीके से आपकी हमारी टीम अभी अपडेट आपके साथ हेल्प करने वाली है। अकाउंटेंसी का पेपर जो आप सभी का नेक्स्ट होने वाला है, उसकी भी प्रॉपर हेल्प हमारी टीम करने वाली है। फिर जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है, अभी अपडेट फॉर सीयूटी उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF हम क्वेश्चन के फॉर्म में जो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे सेंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सको अकाउंटेंसी का पेपर का। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी का यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको दिख रहा होगा। फिर इसके मैं करेक्ट आंसर आपको सीधे बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया रहा। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेवंथ आपका यहाँ पे, आरपी इंफोटेक लिमिटेड डिसाइडेड टू अप्रोच अ पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज टू रिक्रूट द क्वालिफाइड पर्सनल फॉर अ वेरियस टेक्निकल जॉब्स इन इट्स अ न्यूली ओपन ब्रांच इन सूरत। तो विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड बाय आरपी इंफोटेक लिमिटेड इन द अबव केस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंट क्वेश्चन नंबर सेवंथ का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अ कैंपस रिक्रूटमेंट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करें हमारे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर एट्थ आपको दिख रहा है, फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्थ का वो जाएगा, फिर मुझे थोड़ा डाउट है, इसका आंसर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है यूनिवर्सल भी हो सकता है। फ्रेंड कोई भी जो भी आपने आंसर मार्क किया होगा फ्रेंड जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे फ्रेंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ए होगा हमारे फ्रेंड, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ओके हमारे फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ हमारे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर टेंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस। अबव केस में गीतांजलि मेकन करके ये केस था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको थे। फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेंथ का वो जाएगा आपका जॉब सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवंथ का, देखिए क्वेश्चन इलेवंथ कितना सिंपल है हमारे फ्रेंड, आपको यहाँ पे मैच करना था एडवर्टाइजिंग, किससे मैच हो जाएगा आपको, ये पेड फ्रॉम द इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। पर्सनल सेलिंग अगर बात करें वो आपको डेवलप करता है पर्सनल रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ, और पब्लिक रिलेशन जो होता है क्रिएट करता है पॉजिटिव इमेज टू द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे फ्रेंड, दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एलेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करें हमारे फ्रेंड, ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप नॉर्म्स रैदर दैन द ऑफिशियली लेट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ। क्वेश्चन थर्टीन आपको बताना था द ब्लैंक फंक्शन मार्केटिंग इंश्योर द बायर दैट गुड्स एंड कंफर्म द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर द इंस्पेक्शन, इट ऑल्सो इंश्योर दैट द गुड्स बिलोंग टू द पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग अ हायर प्राइजेस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टीन। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके सामने आप स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन आपका जो कहता है आपका कैपिटल मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट आर कंसीडर रिस्कियर बोथ विथ रिस्पेक्ट टू द रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट टू जो आपको यहाँ पे लिखा गया, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके हमारे फ्रेंड
मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आपका यहाँ पे, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ अ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर द ब्लैंक इज और आर शेड टू बी ऑप्टिमल। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हमारे फ्रेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात करें हमारे फ्रेंड, क्वेश्चन 16 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जॉब से फंक्शन ऑफ द सेबी दैट मीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करें तो फिर इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स माई डी फ्रेंड मुझे इसमें डाउट है बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड इसका जो जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा पार्ट नंबर 2 उसमें मैं आपको प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी करेक्ट होगा माई डी फ्रेंड मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। आप बताइए फ्रेंड आपने क्या इसमें मार्क किया है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं माई फ्रेंड इस सेट में इस वीडियो में सेट नंबर 2 के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपके पास जिन भी कैंडिडेट पास सेट नंबर 1 हो या सेट नंबर 3 हो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दीजिए, जैसे हम उसके भी आंसर आपके साथ डिस्कस कर लें। ओके माय फ्रेंड चले, और साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन सीयूटी की प्रिपरेशन करने के 2023 के रिगार्डिंग, तो भी कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हमारी टीम सीयूटी की स्पेशल बैच लाई हुई है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 की बात करें आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द प्राइमरी मार्केट, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है प्राइमरी मार्केट की बात करें, तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर हमारे पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस ओनली बाइंग एंड सिक्योरिटी टेक्स प्लेस, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड देयर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, एज पर एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट अ रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, विच कंज्यूमर राइट इज डिस्कस्ड इन द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे किस स्टेटमेंट की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट मीन्स राइट टू सीक क्रेडेंशियल एज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18th। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ आपका, यहाँ पे बताना फ्रेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी विल फिक्स अ हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे फ्रेंड, इसमें हो जाएगा व्हेन द फर्म वांट्स टू कवर हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अटेन अ प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन की बात करें हमारे फ्रेंड, देखिए इसमें आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर्स एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। ओके हमारे फ्रेंड देख सकते हैं मैंने 1 नंबर के क्वेश्चंस के सारे आंसर आपके साथ डिस्कस कर दिए हमारे फ्रेंड, उसके बाद केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे उसको भी हमारे फ्रेंड मैं पार्ट नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो और साथ साथ 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा पेपर आज का था और बहुत अच्छी तरीके से आपने अटेम्प्ट किया होगा। हमारे फ्रेंड जिन भी कैंडिडेट केस स्टडी की वाली मेरी वीडियो देखी होगी उन सबको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा आपके आज के पेपर में। ओके हमारे फ्रेंड साथ साथ मैंने आपसे भी कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया, जिन भी कैंडिडेट के पास सेट नंबर 2 होगा या सेट नंबर 3 है, सॉरी फ्रेंड सेट नंबर 2 मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, अपने आंसर्स यहाँ से मैच कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई और सीरीज है तो आप वो भी कैंडिडेट यहाँ पे इस नंबर पे पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं उसके आंसर आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके हमारे फ्रेंड सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 की वीडियो बहुत जल्द हमारी टीम लाने वाली है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड, आपके आंसर्स यहाँ पे नहीं मिले तो उसको सेट और सीरीज में आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का एग्जामिनेशन। बात करें हमारे फ्रेंड जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन, आज कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था और आज का एग्जामिनेशन था बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है फ्रेंड आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पेपर का दिया जाता है, फिर चलिए मूव ऑन करते हैं देखते हैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए फिर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को कैंडिडेट को जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और उस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। फिर मूव ऑन करते हैं देखते हैं आज के पेपर बीएसटी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। देख सकते हैं हमारे फ्रेंड जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था सेट नंबर 2 इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर 2 था अपने सॉल्यूशन वहाँ से आप जाकर मैच कर सकते हैं हमारे
डिफेंस सेट नंबर 3 मेरे पास आ चुका है। माय डिफेंस सेट नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सेट नंबर 3 के सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के, और आज के पेपर सेट नंबर 3 BST के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जल्दी से मैच कर लेते हैं। फ्रेंड चलिए BST के पेपर में बात करें, सेट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन आप सभी को मैंने दे दिया है, और जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर 1 होगा फ्रेंड वो सभी कैंडिडेट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिए फ्रेंड PDF के फॉर्म में, जैसे उनके भी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ओके मैडम फ्रेंड, साथ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा, और साथ साथ जैसा कि आप जानते हो हमारी टीम आप सभी के लिए CUET की बेस्ट प्रिपरेशन करा रही है 2023 के रिगार्डिंग। तो फिर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं CUET की प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड बेस्ट हमारी टीम प्रिपरेशन करा रही है CUET के लिए भी, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं फिर यहाँ पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं, देखते हैं BST के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप भी जैसा कि मैंने बताया सेट नंबर 3 में डिस्कस करूँ, इसके बाद सेट नंबर 1 को भी मैं डिस्कस करूँगा, और सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर आप मैच कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इसमें कौन सा एनवायरमेंट कंपोनेंट है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करें तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन 15-year-old पेट्रोल व्हीकल्स प्लेइंग ऑन रोड्स इन दिल्ली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हो आकाश वर्क का प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग LED लाइट ड्यू टू द फेस्टिव सीजन देर इज अ लॉट ऑफ अ डिमांड फॉर द लाइट। आकाश वॉज गिवन अ टास्क फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ LED लाइट्स एट द रेट 200 रुपी पर यूनिट विद इन 5 डे फॉर अर्जेंट ऑर्डर। आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ LED लाइट्स विद इन 5 डे एट द रुपीज ऑफ 220 पर यूनिट। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इफेक्टिव ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे फ्रेंड। मूव ऑन करते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन 3 आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मैनेजमेंट एज एन आर्ट हाईलाइट टू एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज अ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इन हिज ओन वे टू डील विद अ गिवन सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना था विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज दिस इन दिस गिवन डायग्राम। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट मीन्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो यहाँ पे है, आपको यहाँ बताना था विच रिवॉल्यूशन, आप देख सकते हो क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं सीधे आपके आंसर से आपको मैच करा देता हूँ। ओके हमारे फ्रेंड बट आप देख सकते हैं हमारी टीम ने जैसे कि बताया था केस स्टडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो सेम आप देख रहे हो यहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन ज़्यादा आए हैं। तो मैंने जितना भी बताया था, अगर जिन भी कैंडिडेट केस स्टडी को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, गो थ्रू किया होगा, तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को हेल्प हुई होगी केस स्टडी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज आपको गो थ्रू करना है उनके पॉइंट्स को याद करने, क्योंकि पॉइंट्स अगर आप याद करोगे कि मैनेजमेंट के जितने भी अधिकतर जो केस स्टडीज देखने को मिली है BST के पेपर, जितना भी मैंने अभी तक देखा है पेपर, आज के पेपर BST की बात करें तो केस स्टडी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बताया था बेस्ट वे सिर्फ यही है कि आपको बुक को थॉरली स्टडी करना है, उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे ही हम अपने केस स्टडी को समराइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं फ्रेंड, ये सभी चीज़ हमारी टीम आपके लिए प्रोवाइड करा रही है। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है अपने चैनल अभी अपडेट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट पेपर अकाउंटेंसी का हो रहा है, अकाउंटेंसी के पेपर की भी बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे फ्रेंड, जिसका नेम आप सभी को मैं बता दूँ, अभी अपडेट फॉर CUET, जी हाँ फ्रेंड अभी अपडेट फॉर CUET, आप उसको ज्वाइन करिएगा आप सर्च करके, क्योंकि अभी अपडेट फॉर CUET को ज्वाइन करते ही आप सभी को यहाँ पे अकाउंटेंसी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी को मैं सैम्पल पेपर यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है, आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करिए, और भी बहुत सारी चीज़ हमारी टीम ला रही है, तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है आपके अकाउंटेंसी पेपर के लिए, क्योंकि कॉमर्स का सबसे बड़ा पेपर जो बात करें वो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी को कैसे टैकल करना है इसके लिए हम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हम डिस्कस करेंगे आपके लिए उसमें। तो जरूर उसको ज्वाइन करिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी
अपडेट फॉर सीयूटी, साथ साथ आप सभी के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और साथ साथ सीयूटी के जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह भी कैंडिडेट हमसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि आपकी क्लासेस हमारी टीम प्रोवाइड करा रही है। और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पे दिया गया है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारी टीम प्रिपरेशन कराएगी। क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा मॉडिफाइन वो हो जाएगा आपको यहाँ पे, इसका फिफ्थ का जो राइट आंसर मॉडिफाइन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इज द राइट आंसर। मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइन लिया जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अ कैंपस रिक्रूटमेंट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की बात करें मॉडिफाइन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर आप सभी का यूनिवर्सल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का राइट आंसर मॉडिफाइन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिवर्सल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव ऑन करें फिर देखिए आपको लिखा है यहाँ पे गीतांजलि वाला क्वेश्चन है फिर आपका, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मॉडिफाइन गीतांजलि मकन इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी। फिर टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ, मैच कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइन वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप सभी का मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ रिसेंटली चेंज ड्यू टू हिज द कंटेनमेंट फॉर, इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टेंथ। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की तरफ। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ आपको स्टेटमेंट दिए गए वन एंड स्टेटमेंट टू, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड देख सकते हैं स्टेटमेंट वन जो आपका कह रहा है यहाँ पे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर कंसीडर्ड एज अ रिस्क बोथ विथ रिस्पेक्ट टू द रिटर्न एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट है एंड स्टेटमेंट टू भी आपका करेक्ट है। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, ओके मेरे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन ट्वेल्थ की बात के मेरे फ्रेंड आपका है यहाँ पे, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज सच दैट रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर ब्लैंक इज और आर शेड टू बी अ ऑप्शनल, बिल्कुल आप ऑप्टिमल आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे फ्रेंड, यानी कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव ऑन करें फिर आपका 13th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व द ग्रुप ऑफ नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ। क्वेश्चन 14th का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड अ ग्रेडिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के 14th फ्रेंड आपका 14th है, मैं क्लियर आ पाया पिक्चर। 15th में आपको बताया तो हमारे फ्रेंड 15th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड, यहाँ पे पिक्चर आ नहीं पाई इसके लिए सॉरी हमारे फ्रेंड, देखिए फ्रेंड 15th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जस्ट वेट हमारे फ्रेंड, मैं आपको क्वेश्चन तो 2 मिनट सेंड करता हूँ, देखिए 15th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 16th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18th का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड आप मैच कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन 19th का राइट आंसर बात करें हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंड क्वेश्चन जो 20 है आपका उसका राइट आंसर बात करें वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारे फ्रेंड अपने आंसर्स को मैच कर लिए, देखिए 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16th का सी, 17th का ए, 18th का बी, 19th का डी हो जाएगा। अपने आंसर्स को मैच कर लिए फ्रेंड, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड, मैं स्पीच पे पीडीएफ उसका नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। मैंने आपके साथ जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, साथ साथ मैं जैसे आपको मैंने बताया सेट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाली वीडियो में, सेट नंबर 3 में मैंने यहाँ बता दिया, सेट नंबर 1 जिनमें कैंडिडेट का वो कैंडिडेट आपने यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपने क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दिए जैसे उसके भी आंसर हम डिस्कस कर पाएँ। साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करने में, साथ साथ अकाउंटेंसी जो आपका नेक्स्ट है पेपर उसके रिगार्डिंग भी, जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा।
सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का स्टूडेंट का एग्जामिनेशन जस्ट कुछ देर पहले एंड हो चुका है फ्रेंड। और आज का पेपर था आप सभी का बीएसटी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर हम आ चुके हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं और देखते हैं बीएसटी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। साथ साथ बेल आइकन को क्लिक इसलिए भी कर दिएगा क्योंकि आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी का होने जा रहा है। अकाउंटेंसी की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये सब कुछ हमारी टीम आप सबके लिए प्रोवाइड करा रही है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। फ्रेंड जो भी चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। साथ साथ जैसे कि मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं हमारे फ्रेंड इससे पहले मैंने सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फ्रेंड सेट नंबर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन। जिन भी कैंडिडेट का सेट नंबर 1 होगा वो कैंडिडेट अपने यहाँ से सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। फ्रेंड अदर फर्दर भी सीरीज भी किसी कैंडिडेट की होती है वो कैंडिडेट अपने दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सीरीज के क्वेश्चन सेंड कर दिएगा हमारे फ्रेंड, जैसे उन क्वेश्चंस के भी आंसर आपके साथ डिस्कस कर सके। ओके हमारे फ्रेंड जल्दी से मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन। बीएसटी की बात करें तो सेट नंबर 1 कोड है आपका 66/5/1 और इनके आंसर जल्दी से मैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन पेपर मेरे पास जैसे आया मैं आपके साथ लेकर आ चुका हूँ। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है यहाँ पे, द नेक्स्ट स्टेप इज अ सेलेक्शन प्रोसेस आफ्टर अ सेलेक्शन डिसीजन इज। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे जे जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन, सेलेक्शन टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेलेक्शन टेस्ट। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड आपका यहाँ पे, द पर्पस ऑफ अ प्लानिंग इज टू मीट अ फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स प्लानिंग इज एन अ फ्यूचरिस्टिक। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी तरफ, आपका है क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। आपको पिक्चर देखिए देख सकते हैं फैक्ट्री गेट की और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मार्क करिए फ्रेंड बताइए। फ्रेंड यहाँ पे आपको दिया गया पैम्पलेट जिस तरीके से देख सकते हैं आपको रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा गया है देख सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको बताना था इलस्ट्रेट क्या कर किस तरीके टाइप का रिक्रूटमेंट है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर आपका यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट है आपका, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट। क्या है आपका एक तरह का एडवर्टीजमेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें हमारे फ्रेंड क्वेश्चन फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी दी गई है और इसके बेसिस पर यानी कि केस स्टडी है और केस स्टडी के बेसिस पर क्वेश्चन है। जैसे मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूँ हमारे फ्रेंड देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था केस स्टडी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे बीएसटी के पेपर में, और क्योंकि लास्ट समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखा जाए साथ साथ पिछले का जो ट्रेंड देखा जाए प्रीवियस ईयर का बीएसटी के पेपर में मैक्सिमम चीज़ें जो आती हैं वो आपके केस स्टडी से आती है, तो सेम उसी के पैटर्न पे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिले थे। मैंने केस स्टडी के रिगार्डिंग किस तरीके से प्रिपरेशन करने की वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट कुछ दिन पहले, आई होप आप सभी ने देखा होगा और वो बहुत सारे कैंडिडेट को हेल्प हुई होगी आपके बीएसटी के पेपर के लिए। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्योंकि केस स्टडी में क्या है आप सभी को जो बुक है जो बुक को थॉरली स्टडी करनी थी, फाइनेंसिंग की बुक हो चाहे बात की मैनेजमेंट की, दोनों को आपने अगर थॉरली स्टडी किया हो तो डेफिनेटली सभी कैंडिडेट ने बीएसटी का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया होगा। और अगले पेपर अब अकाउंटेंसी का है, अकाउंटेंसी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम कराने जा रही है। और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, जी अपन अभी अपडेट फॉर सीयूटी, जिन भी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर ले फिर अभी अपडेट फॉर सीयूटी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जल्दी से ज्वाइन कर लिए फ्रेंड, जिसपे हम लोग इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग, जी अकाउंटेंसी पेपर के रिगार्डिंग आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के लिए, मैंने वहाँ पे सेंड किया आप उसको प्रैक्टिस करिए फ्रेंड, क्योंकि एग्जामिनेशन लास्ट मोमेंट पे अकाउंटेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया आप प्रैक्टिस किए फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ साथ जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2020
2023 के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर ज्वाइन कर लिए हमारे साथ, साथ साथ इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी के प्रिपरेशन करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स अ डायनेमिक नेचर। ओके हमारे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे भी कहें, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सब ऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म असाइन ड्यूटी इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने, यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। मूव करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेवन, देख सकते हैं आपको डिजी लॉकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं आपका है यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट गोल जीपो करके फ्रेंड आप देख सकते हो आपके केस स्टडी दी गई थी, आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया था यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट का वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ आपका यहाँ पे, वेदर द डिसीजंस हैव बीन अ ट्रांसलेटेड इनटू अ डिजायर एक्शन और नॉट कैन बी कंफर्म्ड बाय अ परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग। फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ आपका यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेंड ये भी केस स्टडी था, तो केस स्टडी बहुत सारे पूछे गए थे, आई होप सभी कैंडिडेट अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर टेंथ के जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट हेल्प द हिमांशु टू आइडेंटिफाई द डिसीजन इन अ सेल। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टेंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अ कंट्रोलिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर फिर आपका ऑप्शन नंबर टेंथ का डी हो जाएगा, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन इलेवंथ की बात करें फिर आपका यहाँ पे, द एक्टिविटीज़ हुज आउटकम नॉट ओनली इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ऑल्सो बी हेल्प इंडिविजुअल इन द प्रोग्रेस टूवर्ड मैच्योरिटी एंड द एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेसिटीज इज नोन एज। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिर क्वेश्चन नंबर इलेवंथ का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ट्रेनिंग। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की तरफ आपका यहाँ पे, दो स्टेटमेंट दिए गए थे आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपका, और बात करें देखिए स्टेटमेंट वन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू टू नॉट टू बी अ ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफर्ड बाय द फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टेटमेंट वन आपकी बात करें फिर आपका बिल्कुल करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट टू की बात करें आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड इन द एक्सटेंड प्रोडक्ट बाई वे टू बी आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेयर अ पार्ट ऑफ द हैंडलिंग कंप्लेंट एक्सेट्रा। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी फ्रेंड बोथ स्टेटमेंट आप सभी का यहाँ पे क्या ट्रू है। ओके हमारे फ्रेंड, चलिए फिर मूव ऑन करते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टींथ की तरफ आपका, थर्टींथ क्वेश्चन आप सभी का आपका थर्टीन दिया गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे थर्टींथ में कॉलम आपको बताया था इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। थर्टींथ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर आप सभी का वो हो जाएगा आपको देख सकते हैं फिर आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिर आप मार्क कर लीजिएगा। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन्थ आपको दिख रहा होगा फिर आपका यहाँ पे, ब्लैंक रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन्थ का हमारे फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15th की बात करें फ्रेंड आपका है, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर प्रमोशन विच इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन विच द स्पॉन्सर बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ रिस्पेक्ट इज।
सॉरी विद द प्रोस्पेक्टस इज, तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 15th का, वो जाए फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है, बट फ्रेंड इस क्वेश्चन में 16 आप देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन 16 और 17 और 18 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 17 के आंसर मैं आप बताता हूँ। देखिए 16 क्वेश्चन के आंसर मैं बहुत जल्द कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। 17th क्वेश्चन आपके सामने और द नेम और नेम हो गया टर्म साइन सिंबल डिज़ाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे आपका, ब्रांड कहेंगे, ब्रांड मार्क कहेंगे, ब्रांड नेम कहेंगे या फिर ट्रेड मार्क करेंगे। बस मैं जल्दी से बताइए फिर आपने क्या मार्क किया, कोई नेम हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, जो आपको बता रहा कॉम्बिनेशन देम टू बी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो गुड्स और सर्विसेज के लिए वन सेलर और ग्रुप ऑफ द सेलर्स एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आल्सो नोन एज, उसको क्या कहेंगे आप सभी का, उसको ब्रांड नेम कहेंगे। क्या कहें फ्रेंड आपको, अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके राइट आंसर मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा फ्रेंड। ओके मारे फ्रेंड जैसे मेरे पास क्वेश्चन आए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे और भी जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं फ्रेंड उसको मैं फर्दर पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूँगा, उसमें आपके साथ कवर कर लूँगा फ्रेंड। जैसे मैं आप सभी के लिए मैंने बता दिया फ्रेंड, आप सभी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से हमारी टीम सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन कराने जा रही है 2023 के रिगार्डिंग साथ साथ। और मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, आप सभी के लिए जैसा कि नेक्स्ट पेपर आपका अकाउंटेंसी का होना है, अकाउंटेंसी के पेपर की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है, तो फिर जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। साथ साथ मैं सभी कैंडिडेट को कहना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट इस बार आप सभी अकाउंटेंसी का जो पेपर आप सभी का होने वाला है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर यानी सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है। अभी तक जिन भी कैंडिडेट ने हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है अभी अपडेट फॉर CUT ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्दी जाकर आप ज्वाइन करें फ्रेंड। अभी अपडेट फॉर CUT टेलीग्राम चैनल जिस पे मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट PDF सेंड कर रहा हूँ आपके अकाउंटेंसी पेपर के रिगार्डिंग। ओके मारे फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे सेट नंबर 1 डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 की वीडियो मैंने बना दी है, और भी अदर आपको कोई सेट होगा इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप वो भी सेट सेंड कर दिएगा, हमारी टीम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेगी, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।